माफिया मुंडीर वो क्या था, व्हाट वाज इट? बादशाह, चार पांच लोग बिल्कुल कभी भी साथ में नहीं काम किए, और माफिया मुंडीर पंजाब से शुरू हुई, और उसमें कौन लोग थे, था क्या वो, लाइक व्हाट वाज इट? एक प्लेटफॉर्म बनाया था मैंने, कोई बैंड नहीं बनाया। ओके, मैं जानता हूँ पहला माफिया मुंडीर, और बहुत सारी बातें हैं यहाँ जो रफ्तार के दिल में भी हैं, जो कि उसके नजरिए से गलत हैं। आई थिंक हनी पाजी डिसाइडेड टू गो सोलो, एंड देन फिर सबको लग गया कि यार हमारा तो कुछ होने नहीं वाला। DHH में ग्रुप काफी फेमस है जो कि है माफिया मुंडीर, एंड एक ऐसा क्रू है जिसे कि इस समय हर कोई एक साथ देखना चाहता है, एंड जिसमें कि आज के फेमस रैपर एक साथ काम किया करते थे, लाइक हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, लिल गोलू एंड इक्का। एंड ये क्रू कैसे स्टार्ट हुआ, एंड इस ग्रुप में सारे मेंबर कैसे जुड़े, एंड किस वजह से इस ग्रुप का ब्रेकडाउन हुआ, एंड क्या ये ग्रुप हमें दोबारा देखने को मिल सकता है? तो आज हम इस वीडियो में माफिया मुंडीर के राइज एंड फॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस ग्रुप को बनाने वाले और कोई नहीं, हमारे हनी सिंह ही थे। इन मिड 2001 हनी सिंह ने करियर की शुरुआत की थी, एंड 2003 तक हनी सिंह दिल्ली में सिर्फ एक म्यूजिक कंपोजर ही थे, एंड इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये फ्यूचर में कोई रैपर बनेंगे। इन 2005 हनी सिंह ने अपना पहला इंग्लिश रैप डिब्यूट किया, एंड लकीली वो सॉन्ग हिट हुआ, लेकिन हनी सिंह को वो पहचान नहीं मिली जो कि वो डिजर्व करते थे। इन 2007 हनी सिंह ने फेमस सिंगर राज ब्रार के साथ एक एल्बम निकाली जो कि उस समय काफी हिट हुई। इवन उसके बाद उन्होंने काफी बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया, लाइक दिलजीत दोसांझ। उन्होंने दिलजीत दोसांझ के साथ एक सॉन्ग निकाला था पंगा, जो कि उस समय काफी अच्छा चला था, एंड इस वजह से हनी सिंह की पंजाबी इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बन गई थी। एंड अब हनी सिंह अपने सोलो करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, एंड इसी भीड़ में एक और बंदा था जो कि काफी स्ट्रगल कर रहा था, जो कि था बादशाह। तो उस समय बादशाह इंग्लिश में रैप किया करते थे, एंड उनका स्टेज नेम भी कूल इक्वल था। 2006 बादशाह ने अपना एक गाना बनाया सोडा विस्की, जिसमें कि उन्होंने इंग्लिश में रैप किया था, एंड लकीली ये सॉन्ग उस समय काफी हिट हुआ था। एंड इस सॉन्ग को सुनने के बाद हनी सिंह ने बादशाह को अप्रोच किया फॉर कोलैबोरेशन, एंड फिर इन्होंने एक साथ मिलकर काफी अच्छे सॉन्ग प्रोवाइड किए, एंड उन सब सॉन्ग में से एक सॉन्ग ऐसा था जो कि सुपर वायरल गया था, गेट अप जवानी। एंड उस समय एक और क्रू था, द ब्लैक वॉल स्ट्रीट देसी, एंड उस समय इस क्रू में तीन मेंबर हुआ करते थे, दिली नैर, अंकित सिंह पटियाल, साहिल कौशल। एंड उस समय ये सभी बंदे एक साथ मिलकर काम किया करते थे। इवन इस क्रू को हिप हॉप म्यूजिक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। एंड उस समय एक प्लेटफॉर्म काफी फेमस हुआ करता था ऑरकुट, एंड ये सभी आर्टिस्ट उस पर म्यूजिक बनाकर डाला करते थे। इवन हनी सिंह ने उनके म्यूजिक को नोटिस किया, एंड उन्होंने इस क्रू के एक मेंबर को बुलाया जो कि थे दिली नायर, एंड दिली नायर अपने साथ अपनी पूरी टीम को भी लेकर गए। एंड हनी सिंह ने इन सभी को नए नाम दिए, जैसे कि दिली नायर को रफ्तार, साहिल कौशल को लिल गोलू, अंकित सिंह पटियाल को इक्का। एंड हनी सिंह ने इन सभी मेंबर्स को एक साथ जोड़ा, एंड उस क्रू को नाम दिया माफिया मुंडीर। एंड इन्होंने एक साथ मिलकर काफी सारे सॉन्ग्स किए जो कि काफी फेमस भी हुए, लाइक गड़बड़, बेगानी नजर, खोल बोतल, इवन वॉल्यूम 1। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों के बाद इस ग्रुप का ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। रीजंस फॉर स्प्लिट इन माफिया मुंडीर, तो सबसे पहले इस ग्रुप को इक्का ने लीव किया, एंड इसके बाद रफ्तार ने भी इस ग्रुप को लीव कर दिया। रफ्तार का कहना था कि डोप शॉप सॉन्ग उन्होंने लिखा है, लेकिन उन्हें कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया। तो इन्हीं रीजंस की वजह से रफ्तार ने माफिया मुंडीर को लीव कर दिया। लेकिन इस सॉन्ग के बाद हनी सिंह और बादशाह का रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो गए थे। इन 2011 बादशाह ने माफिया मुंडीर को लीव कर दिया, एंड उन्होंने रीजन भी बताया कि हनी सिंह अपने सोलो करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आई थिंक हनी पाजी डिसाइडेड टू गो सोलो, एंड देन फिर सबको लग गया कि यार हमारा तो कुछ होने नहीं वाला। एंड देन इस ग्रुप में सिर्फ बचते हैं लिल गोलू, जिन्होंने हनी सिंह के साथ अपना करियर कंटिन्यू रखा। एंड इसके बाद हनी सिंह ने फिर से माफिया मुंडीर को रिक्रिएट किया, एंड जिसके मेंबर्स थे अल्फाज, जयस्टार, मनी ओजला एंड निंजा। एंड इस क्रू का नाम रिक्रिएट करके दोबारा माफिया मुंडीर रखा गया, एंड इस क्रू ने भी काफी हिट्स दिए। इन 2016 हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो गई थी, जिस वजह से वो थोड़े टाइम के लिए इंडस्ट्री से गायब हो गए थे। लेकिन आफ्टर रिकवरी हनी सिंह ने देखा कि DHH में उनको लेकर डिस बैटल चल रही है, एंड माफिया मुंडीर के एक्स मेंबर्स ने उन पर लगाए थे कि हनी सिंह उनको सॉन्ग के क्रेडिट नहीं दिया करते थे। एंड इसी बीच हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में बादशाह को रोल्स रॉयस कह के पोक कर दिया। रोल्स रॉयस चलाई आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैना में बहुत फर्क होता है। एंड इसके बाद बादशाह ने भी रिप्लाई दिया, एक दिन बस ऐसे ही जाके रोल्स रॉयस ले ली मैंने। लेते रह गए फील है। इवन बादशाह ने फिर से अपने सॉन्ग गॉन गर्ल में हनी सिंह के कमबैक को लेकर ट्रोल किया। गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहां फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा।
एंड एक लाइव स्ट्रीम में रफ्तार ने हनी सिंह के बाइपोलर डिसऑर्डर का मजाक उड़ा दिया। इवन इस लाइव स्ट्रीम के बाद रफ्तार को काफी हेट मिलने लगा एंड लोग ये सोच रहे थे कि हमें माफिया मुंडीर फिर से एक साथ देखने को मिलेगा। लेकिन एक दूसरे को डिस करना, लाइव स्ट्रीम पर मजाक उड़ाना एंड पो करना, इन्हीं वजह से सिचुएशन और भी काफी बिगड़ती चली गई। एंड इन्हीं आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग ये ग्रुप इसलिए टूटा क्योंकि इनके बीच में काफी गलत फहमियां थी। इवन इन्हें एक दूसरे के साथ मिलने भी नहीं दिया गया। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप क्या माफिया मुंडीर को रिक्रिएट होता देखना चाहते हो या फिर नहीं।